दमोह जिले के हटा के गौरीशंकर वार्ड निवासी बुजुर्ग के पैर में लगे घाव से लोहे के टुकड़े और कचरा निकलने का मामला सामने आया है। दरअसल पिछले दिनों रामकिशन विश्वकर्मा को लकड़ी काटते समय पैर में ग्राउंडर लग गया था, जिसके बाद परिजन सिविल अस्पताल हटा पहुंचे थे, जहां से जिला अस्पताल दमोह रेफर कर दिया था। दमोह में कुछ दिन भर्ती रखने के बाद परिजन मरीज को घर वापस ले आए। पैर में लगातार दर्द और जख्म नहीं सूखने पर एक बार फिर जब परिजन सिविल अस्पताल हटा पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। यहाँ बुजुर्ग के घाव से लोहे के टुकड़े और कचरा निकला। परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 600 से 700 रुपए शुल्क लेने के बावजूद जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने घाव साफ किए बिना ही पट्टी और टांके लगा दिए। क्या हुआ है? पापा को 9 तारीख को नांग पंचमी दिन लग गए तो ग्राइंडर दमो रेफर कर दो। दमो गए, दमो में न कोई घाव साफ नहीं करो, सीधी सीधी टांके लगा दे और भर्ती कर लो बस। तो जब डिस्चार्ज होके आए, डिस्चार्ज की भी पर्ची नहीं गई और उठे आए। अब हमने दिखा को रिसाब हूँ, जब उनने घाव ट्रीटमेंट करो तो पक गए थे पूरे टांके आके। जब उन्हें कचरा निकलो तो इतने सारे उमें रखे हैं, हम दिखा दें आपके लाने, बहुत सारा कचरा निकलो अंदर से। तभी तो उनको 15 दिन में घाव नहीं सूखे। इसकी शिकायत की आपने? हमने आप कहाँ करते हैं शिकायत करेंगे आप? हम करें, बिल्कुल करेंगे।